नमस्कार, मैं हूं शशि। आइए झारखंड के टॉप 25 प्रमुख खबर जानते हैं। हेमंत सरकार के चार साल पर सीएम हेमंत ने गिनाई उपलब्धियां। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने रांची के कांके रोड स्थित मुख्यमंत्री आवासीय परिसर में आयोजित पत्रकार संवाद में गुरुवार को कहा है कि झारखंड हर चुनौती से निपटने को तैयार है। राज्य के सर्वांगीण विकास में गाँव का विकास महत्वपूर्ण है। राज्य सरकार के अंग के रूप में कार्य कर रहे कर्मचारियों, पुलिस कर्मियों, शिक्षकों, आंगनवाड़ी कर्मियों समेत कई वर्ग के अनुबंध कर्मियों की पुरानी मांगों को सरकार ने पूरा किया है। वे झारखंड सरकार के चार साल 29 दिसंबर के उपलक्ष में उपलब्धियां गिना रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा है कि वर्तमान सरकार पूरे झारखंडियों की सरकार है। शुरुआती दिनों से ही हमारी सरकार ने राज्य के हर वर्ग, हर समाज को लेकर आगे बढ़ने का कार्य किया है। आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वारा कार्यक्रम राज्य सरकार का एक महत्वपूर्ण और प्रभावी अभियान रहा है। इस अभियान के तहत हम विकास की राह में खड़े अंतिम व्यक्ति तक पहुंच रहे हैं। किसी भी राज्य का सर्वांगीण विकास केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार के आपसी समन्वय से होता है, लेकिन केंद्र सरकार से अपेक्षित सहयोग हमें नहीं मिला है। पारा शिक्षकों का सीएम आवास घेराव वार्ता विफल, रात तक डटे। झारखंड के सहायक अध्यापकों, पारा शिक्षक का गुरुवार से मुख्यमंत्री आवास का घेराव शुरू हो गया है। वेतन मान सहित अन्य मांगों को लेकर झारखंड सहायक अध्यापक संघर्ष मोर्चा के बैनर तले घेरा डालो डेरा डालो कार्यक्रम के तहत सहायक अध्यापकों का अनिश्चितकालीन मुख्यमंत्री आवास घेराव राजभवन के समक्ष से शुरू हुआ। पारा शिक्षकों के साथ सरकार के प्रतिनिधिमंडल की वार्ता भी हुई, लेकिन विफल रही। पारा शिक्षक रात तक धरना पर बैठे रहे। बता दें, मोराबादी मैदान में सहायक अध्यापकों को धारा 144 लागू होने से कार्यक्रम का स्थान नहीं मिल सका। इसके बाद राजभवन के समक्ष राज्य के हजारों सहायक अध्यापक जमे हुए थे। पुलिस प्रशासन को चकमा देकर कचहरी होकर मुख्यमंत्री आवास घेराव करने पारा शिक्षक जा रहे थे। उन्हें कचहरी और मोराबादी के बीच में एसपी आवास के समक्ष रोक दिया गया। पुलिस प्रशासन और सहायक अध्यापकों के बीच धक्का मुक्की भी हुई है। बाद में हजारों की संख्या में सहायक अध्यापक रोड पर ही बैठ गए। रांची जेल अधीक्षक का तबादला, राजनीति गरमाई। रांची जेल के अधीक्षक बेसरा निशांत रॉबर्ट को पद से हटा दिया गया है। राज्य सरकार के गृह, कारा एवं आपदा प्रबंध विभाग ने अधिसूचना जारी कर बेसरा निशांत रॉबर्ट को अब कारा प्रशिक्षण संस्थान हजारीबाग के प्राचार्य के पद पर पदस्थापित किया है। गौरतलब है कि ईडी के रडार पर आने के बाद 22 नवंबर को तत्कालीन जेल अधीक्षक हामिद अख्तर को हटाया गया था। उनकी जगह उसी दिन बेसरा निशांत रॉबर्ट को पदस्थापित किया गया था। एक माह एक हफ्ते बाद ही बेसरा का तबादला कर दिया गया। रांची जेल में हाई प्रोफाइल कैदियों पर सख्ती को लेकर बाबूलाल मरांडी ने रांची जेल के अधीक्षक बेसरा निशांत रॉबर्ट की तारीफ की थी, लेकिन तारीफ के दो दिनों के बाद ही उनका तबादला कर दिया गया। जैक बोर्ड 10वीं 12वीं का मॉडल प्रश्न पत्र जारी। झारखंड एकेडमी काउंसिल ने 10वीं और 12वीं का मॉडल प्रश्न पत्र जारी कर दिया है। 6 फरवरी 2024 से शुरू होने वाली मैट्रिक और इंटरमीडिएट की परीक्षा के लिए 28 दिसंबर को पहला मॉडल प्रश्न पत्र जारी किया गया। इस प्रश्न के आधार पर मैट्रिक व इंटरमीडिएट परीक्षा का आयोजन होना है। इसमें बदले गए पैटर्न के आधार पर प्रश्न पत्र जारी किए गए। परीक्षार्थी मॉडल प्रश्न पत्र के माध्यम से तैयारी कर सकेंगे। मॉडल प्रश्न पत्र जारी किए जाने पर झारखंड माध्यमिक शिक्षक संघ के गंगा प्रसाद यादव, अमरनाथ झा और नरेंद्र यादव ने आभार जताया है। मॉडल प्रश्न पत्र जारी करने का आग्रह लगातार किया जा रहा था और परीक्षा के 45 दिन पहले मॉडल प्रश्न पत्र जारी करने की बात कर रहा था। इधर जैक ने 8वीं बोर्ड की परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की तारीख 6 जनवरी तक बढ़ा दी है। 1 जनवरी से हड़ताल पर जाएंगे झारखंड के पीडीएस डीलर। नए वर्ष से राज्य भर के गरीब परिवारों को राशन मिलने में परेशानी हो सकती है। पीडीएस डीलरों ने 1 जनवरी से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने का निर्णय लिया है। पीडीएस डीलरों ने सप्लाई चेन को पूरी तरह से ठप करने का निर्णय लिया है। इसकी जानकारी डीसी और डीएसओ को लिखित रूप से दी गई है। ऑल इंडिया फेयर प्राइस शॉप डीलर्स फेडरेशन के राष्ट्रीय महासचिव विश्वंभर वसु के आह्वान पर शहर के माथा बांध स्थित एक निजी मकान में जिला पीडीएस संघ की बैठक जिला अध्यक्ष अभय चंद्र झा की अध्यक्षता में हुई, जिसमें देवघर जिले भर के 1000 से अधिक पीडीएस डीलर शामिल हुए। इसमें निर्णय लिया गया है कि 31 दिसंबर तक जिसके दुकान में जो भी अनाज है
वे लाभुकों को बुलाकर वितरण कर देंगे और जनवरी माह का अनाज नहीं लेंगे। देवघर में बढ़ रहे डिप्थीरिया के मरीज। देवघर जिले में डिप्थीरिया बीमारी पांव पसार रही है। यहां अब तक 3 डिप्थीरिया मरीज की पहचान हुई है। इसके बाद से विभाग सतर्क हो गया है। इस बीमारी का प्रकोप सबसे अधिक बच्चों में देखा जाता है। जिला महामारी विशेषज्ञ डॉक्टर मनीष शेखर ने बताया है कि डिप्थीरिया के संक्रमितों की पहचान होने के बाद सभी की सैंपलिंग कराकर जांच के लिए भेजा गया। साथ ही सभी 3 बच्चों का संक्रमण से बचाव के लिए आवश्यक सतर्कता रहने को लेकर परिजनों को कहा गया। इसके अलावा विभाग को भी संक्रमितों की पहचान कर जाँच व इलाज करने को कहा गया। बता दें, डिप्थीरिया एक गंभीर जीवाणु संक्रमण है जो मरीज के गले, नाक और जीभ में होता है। डिप्थीरिया कभी कभी कम इम्यूनिटी वाले बच्चों और बुजुर्गों को हृदय, गुर्दे और तंत्रिका तंत्र को भी नुकसान पहुंचाता है। इस कारण मौत भी हो सकती है। 9 वर्ष के जश्न में 4 चांद लगाएंगे बॉलीवुड कलाकार। इस साल कोयलांचल में 9 वर्ष के जश्न बॉलीवुड व टॉलीवुड कलाकार 4 चांद लगाएंगे। इसे लेकर होटलों, क्लब व रिसोर्ट में जोरदार तैयारी चल रही है। 31 दिसंबर की शाम को रंगीन बनाने के लिए बॉलीवुड व टॉलीवुड कलाकारों की महफिल जमेगी, जाम छलकेगा और डीजे की धुन पर सितारे ठुमकारा भी लगाएंगे। बता दें, धनबाद क्लब में पार्श्व गायक सुखविंद्र सिंह का जलवा होगा तो यूनियन क्लब में प्लेबैक सिंगर ममता शर्मा धमाल मचाएंगी। इसके अलावा होटल व रिसोर्ट में भी मुंबई, दिल्ली व टॉलीवुड के कलाकार पहुँच रहे हैं। धनबाद में आज रात 12 बजे से निजी डॉक्टरों की हड़ताल। धनबाद में डॉक्टरों से रंगदारी मांगे जाने के विरोध में शुक्रवार रात 12 बजे से धनबाद जिले के सभी निजी डॉक्टर 3 दिनों की हड़ताल पर रहेंगे। इस वजह से अस्पताल, क्लिनिक, नर्सिंग होम समेत जांच घरों में चिकित्सा सेवा ठप रहेंगी। अस्पतालों में इमरजेंसी सेवा भी ठप रहेगी। हालांकि अस्पताल में पहले भर्ती मरीजों का इलाज किया जाएगा। गुरुवार को बरटांड स्थित एशियन द्वारिका दास सुपर स्पेशलिस्ट अस्पताल में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की बैठक के बाद पूर्व में घोषित अनिश्चितकालीन हड़ताल में बदलाव करते हुए संगठन के पदाधिकारियों ने 30 दिसंबर से 1 जनवरी तक हड़ताल पर रहने की सूचना सार्वजनिक की। IMA के जिला अध्यक्ष डॉक्टर मेजर चंदन ने बताया है कि जिले के निजी क्षेत्र के सभी अस्पतालों व जाँच केंद्रों ने हड़ताल में पूर्ण समर्थन दिया है। झारखंड के गृह सचिव की पत्नी को ईडी ने भेजा समन। प्रवर्तन निदेशालय ने प्रीति कुमारी को समन भेजकर पूछताछ के लिए बुलाया है। उन्हें 3 जनवरी को ईडी के रांची स्थित क्षेत्रीय कार्यालय में दिन के 11 बजे हाजिर होने का निर्देश दिया गया है। बड़गाई अंचल स्थित उनकी जमीन पर भवन निर्माण के दौरान सरकार की जमीन पर अवैध कब्जा करने के आरोप में समन जारी किया गया। वह राज्य के गृह सचिव अविनाश कुमार की पत्नी है। ईडी ने फर्जी दस्तावेज के सहारे जमीन की खरीद बिक्री की जांच के दौरान तत्कालीन उपायुक्त छवि रंजन, बड़गाई अंचल अधिकारी, राजस्व कर्मचारी भानु प्रताप प्रसाद सहित अन्य लोगों के ठिकाने पर छापा मारा था। झारखंड में एंटी रेबीज वैक्सीन की खरीद में अनियमितता। झारखंड में एंटी रेबीज वैक्सीन की खरीद में अनियमितता का मामला सामने आ रहा है। झारखंड मेडिकल एंड हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एंड प्रोक्योरमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड की ओर से वैक्सीन की दर 226.80 रुपये प्रति वायल निर्धारित की गई है, लेकिन रामगढ़, लोहरदगा, गढ़वा, कोडरमा समेत विभिन्न जिलों में 34 से 94 रुपये अधिक कीमत पर वैक्सीन की खरीद की जा रही है। हर जिले में वैक्सीन की खरीद का ऑर्डर सिविल सर्जन के स्तर से की जाती है। हर सिविल सर्जन को कॉर्पोरेशन की ओर से निर्धारित दर की जानकारी है। इसके बावजूद अधिक दर पर एंटी रेबीज वैक्सीन की खरीद के पीछे कमीशन का खेल बताया जा रहा है। सीएम हेमंत बोले, मुझसे डरा धमका कर कोई काम नहीं करा सकता। मैं गुरुजी का पुत्र और झारखंड आंदोलन की उपज हूँ। कोई अगर यह समझ रहा है कि मुझे कोई डरा धमका कर कोई काम करा लेगा तो वह मुगालते में जी रहा है। मुझसे डरा धमका कर कोई काम नहीं करा सकता। हाँ, कोई प्यार से कहे तो अपना सिर कटा कर रख दूंगा। ये बातें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने गुरुवार को अपने आवास पर आयोजित संवाद के दौरान कही है। दरअसल अपने सरकार के कार्यकाल के 4 वर्ष पूरे होने की पूर्व संध्या श्री सोरेन पत्रकारों से रूबरू हुए थे। उन्होंने उक्त बातें पत्रकारों के उस सवाल के जवाब में कही जिसमें उनसे पूछा गया था, आप लगातार कह रहे हैं कि जब भी केंद्र से हिस्सा मांगते हैं तो हमारे पीछे ईडी और जांच एजेंसियों को लगा दिया जाता है, तो क्या इंडिया का हिस्सा बनने के बाद कहीं केंद्र आपको डरा धमका कर गठबंधन से दूर रहने का दबाव तो नहीं बना रहा।
सीएम हेमंत आज 4500 करोड़ की 350 योजनाओं का करेंगे शिलान्यास व उद्घाटन। झारखंड सरकार की चौथी वर्षगांठ पर शुक्रवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन करीब 4500 करोड़ रुपए की योजनाओं का उद्घाटन व शिलान्यास करेंगे। मोराबादी मैदान में आयोजित समारोह के दौरान मुख्यमंत्री शिक्षा विभाग व स्वास्थ्य विभाग के रिक्तियों के विरुद्ध चयनित अभ्यर्थियों के नियुक्ति पत्र भी वितरित करेंगे। वह 690 प्रयोगशाला सहायक, 137 टीजीटी शिक्षकों के अलावा 307 चिकित्सकों को भी नियुक्ति पत्र देंगे। इसमें 164 विशेषज्ञ चिकित्सक और 143 चिकित्सा पदाधिकारी शामिल हैं। मुख्यमंत्री नगर विकास, ग्रामीण कार्य, पथ निर्माण, भवन निर्माण, पेयजल एवं स्वच्छता व जल संसाधन विभाग की लगभग 350 योजनाओं का उद्घाटन व शिलान्यास करेंगे। शिलान्यास की जाने वाली प्रमुख योजनाओं में गिरिडीह में 100 बेड वाले क्रिटिकल केयर यूनिट का निर्माण, रांची में ट्रांसपोर्ट नगर निर्माण फेज टू, कई जल आपूर्ति योजनाओं और सड़क निर्माण की योजनाओं का शिलान्यास उद्घाटन करेंगे। सिमडेगा से पीएलएफआई के दो उग्रवादी गिरफ्तार। सिमडेगा पुलिस ने दो पीएलएफआई उग्रवादियों को हथियार के साथ गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। उग्रवादियों ने कोलेबीरा थाना इलाके में 23 नवंबर को बोगराम पेट्रोल पंप के पास मनोहरपुर रोड निर्माण में कार्य में लगे पोकलेन को आग के हवाले कर दिया था। इस मामले में कोलेबीरा थाना में अज्ञात उग्रवादियों के विरुद्ध मामला दर्ज किया गया था। अब इस मामले में अनुसंधान करते हुए कोलेबीरा पुलिस ने दो पीएलएफआई उग्रवादी सुरेंद्र यादव मुरकुंडा गुमला जिला निवासी और देवलाल सिंह डोलोंग सेरा गुमला जिला निवासी को गिरफ्तार कर लिया है। पलामू के सरकारी क्वार्टर में महिला से सामूहिक दुष्कर्म। पलामू डीसी के एस्कॉर्ट वाहन के ड्राइवर धर्मेंद्र कुमार यादव एवं एसपी आवास के ड्राइवर प्रकाश कुमार को दुष्कर्म मामले गिरफ्तार किया गया है। मोबाइल लोकेशन के आधार पर दोनों अपराधियों की गिरफ्तारी की गई। इनके खिलाफ सरकारी क्वार्टर में एक महिला से सामूहिक दुष्कर्म करने का आरोप है। पीड़िता ने इनके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई, इसके बाद इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। जानकारी के अनुसार प्रकाश कुमार के खिलाफ पहले भी इस तरह की शिकायत मिली है, लेकिन मामले को दबा दिया गया था। आरोपी प्रकाश कुमार शादीशुदा है, उसके बच्चे भी हैं, जबकि आरोपी धर्मेंद्र कुमार यादव विवाहित नहीं है। झारखंड बीजेपी ने सरकार के 4 साल पर जारी किया आरोप पत्र। हेमंत सोरेन सरकार के 4 साल 29 दिसंबर को पूरे होने को लेकर बीजेपी ने गुरुवार को पेश वार्ता कर आरोप पत्र जारी किया। 5 सदस्यीय समिति द्वारा तैयार आरोप पत्र जारी किया गया। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूल अमरानी ने कहा है कि एनडीए ने अब तक 13 साल शासन किया, यानी 4764 दिन सरकार में रहा। यूपीए ने 10 साल यानी 3625 दिन तक राज किया है। इसी दौरान यूपीए गठबंधन की सरकार में अधिक बार राष्ट्रपति शासन रहा। बीजेपी ने जितना भी काम किया है वह किसी से छुपा नहीं है। जेएमएम ने क्या काम किया है यह भी किसी से छुपा नहीं है। दुमका में हाई कोर्ट की बेंच की मांग को लेकर धरने पर बैठे अधिवक्ता। उपराजधानी दुमका में झारखंड उच्च न्यायालय की खंडपीठ स्थापित कराने की मांग एक बार फिर जोर पकड़ रही है। देवघर विधायक द्वारा हाई कोर्ट बेंच दुमका की बजाय देवघर में स्थापित किए जाने की मांग किए जाने पर हाई कोर्ट बेंच निर्माण संघर्ष समिति ने आंदोलनात्मक रुख एक बार फिर से तेज किया है। बुधवार को जिला अधिवक्ता संघ के बैनर तले दुमका के अधिवक्ताओं ने कचहरी परिसर में धरना दिया है। एनडीए के साथ गठबंधन के सवाल पर बोले सीएम हेमंत। झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकारी अध्यक्ष और राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इन दिनों ईडी की जांच को लेकर मुश्किलों में घिरे हुए हैं। ईडी एक के बाद एक पूछताछ के लिए समन जारी कर रही है। हेमंत सोरेन कोर्ट के वकील कोर्ट का चक्कर काटने में लगे हुए हैं। इसी बीच कुछ लोग उनके भाजपा का दामन थामने का भी अनुमान लगा रहे थे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इन पूर्वानुमानों को लेकर पूछे गए सवाल का जवाब दिया है। बता दें एनडीए में जाने के कयासों पर पूछे गए सवाल को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए हेमंत सोरेन ने कहा है कि इस लोकतंत्र में विपक्ष के साथ जिस तरीके का व्यवहार किया जा रहा है इससे ऐसा लगता है राजनीति छोड़कर खून खराबे पर उतर जाना चाहिए। नेताओं को राजनीतिक चोला छोड़कर जंग ए मैदान में उतर जाना चाहिए। धन्यवाद।